वैरायटी आपके पास, मतलब 15-20 किस्म के हैं चाइनीज? नहीं, उससे ज्यादा होगा। उससे ज्यादा है माशाल्लाह। 5-star होटल का हेड शेफ रहा मैरियट होटल। अच्छा, 22 साल का एक्सपीरियंस है। किसी भी एक अच्छे रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट। अच्छा, नहीं फूड कार्ट वाला टेस्ट नहीं, रेस्टोरेंट वाला जायका मिल रहा है आपको? रेस्टोरेंट वाला जायका। नहीं, नहीं, जो दावा करते हैं कि मैं हेड शेफ था जिंस वगैरह में, मैरियट के अंदर कई बात है। हाँ, टेस्ट अच्छा। मंचूरियन है, सिचुआन है, ठीक है, गार्लिक है, ठीक है, ठीक है। ये जितना मेन्यू में हमने 15-20 जो रखा है सब रनिंग में आइटम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? तो मैं आपको मेरे पीछे एक छोटा सा फूड कार्ट नज़र आ रहा है आजकल, बड़ा ये मार्केट में वायरल हुआ हुआ है। और ये जगह है कराची एडमिट सोसाइटी, और इसके पीछे जो नज़र आ रहा है यूसुफ भाई। यूसुफ भाई कहते हैं कि भाई मैंने जो जिनसो है बड़ा नामी ग्रामी चाइनीज़ कुजीन, वहाँ पर ये कहते हैं कि मैं हेड शेफ था। और इसी तरीके से एक 5-star होटल का भी दावा करते हैं कि मैं वहाँ पर भी चाइनीज़ में हेड शेफ रह चुका। तो आज हमने सोचा एक बार ट्राई कर लिया जाए, क्योंकि भाई ज़रा रिकमेंडेशन भी आ रही थी, वायरल भी है, तो ज़रा खा के देखते हैं कि वाकई जो बातें कर रहे हैं ठीक है। क्योंकि आजकल कराची में बेशतर इलाकों में आपको अच्छा चाइनीज़ मिल जाता है, तो भाई ये नेक्स्ट लेवल का होना चाहिए फिर। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ भाई, क्या हाल चाल है? ठीक है, तबीयत ठीक है आपकी? अल्लाह का शुक्र। यूसुफ भाई, क्या क्या भाई इतने छोटे फूड कार्ट पर क्या क्या आइटम माशाल्लाह लगा रहे हैं भाई आप? हम चाइनीज़ खाना लगा रहे हैं। अच्छा, चाइनीज़ आइटम बन रहे हैं भाई? तो चाइनीज़ में क्या क्या होता है यूसुफ भाई हमारे पास? हमारे पास जो ज़्यादा रनिंग चलता है, चिकन चिली चलता है, ठीक है, ठीक है, और चाउमीन चलता है, कैंटोनीज चाउमीन चलता है। रनिंग 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 आइटम आपकी माशाल्लाह ही है। हाँ, रनिंग आइटम जो मंचूरियन है, सिचुआन है, ठीक है, गार्लिक है, ठीक है, ठीक है। ये जितना मेन्यू में हमने 15-20 जो रखा है सब रनिंग में आइटम। अच्छा, तो ये बताएं कि कितना इस स्पॉट पर कितना टाइम हो गया आपको? अभी 2 साल नहीं हुआ। दो साल में कुछ कम है, कुछ अच्छा। दो तीन महीने कम है, ठीक है। दो साल में कुछ कम हुए हैं? कुछ कम। इधर ही हम पैदा हुआ, हमारे वालदेन जो है अंग्रेज़ के दौर पे आया। अच्छा, ठीक है, हम इधर ही पैदा हुआ, इधर ही पले बढ़े, लेकिन 5-star होटल का हेड शेफ रहा मैरियट होटल। अच्छा, 22 साल का एक्सपीरियंस रहा? 22 साल रहा, ठीक है। उधर से रिटायर हो गया। ओके, तो फिर आपने मतलब काफ़ी टाइम काम किया, फिर कब सोचा कि भाई मैं ये अपना सेटअप स्टार्ट करता हूँ? तो मैंने बोला, मैंने सोचा कि भाई अपना छोटा सा सेटअप स्टार्ट कर लो, देख लो, ट्राई करो, ठीक है। तो ये माशाल्लाह ठीक है, अच्छा चलता है, मतलब वर्कआउट कर गए ये चीज़ पहले साहब। तो अभी आपके साथ ये बताएं कौन होता है और कितने बजे से कितने बजे तक आप स्टॉल लगाते हैं यहाँ पे? हम शाम को मगरिब के बाद लगाते हैं, ठीक है, 7:30-8 बजे लगाते हैं। अच्छा, 7:30, फिर रात को 1-1.5 बजे तक बंद करते हैं। सही है, बेहतरीन हो गया। तो यूसुफ भाई, क्या रनिंग आइटम आपने बताया नहीं, क्या क्या आपके रनिंग आइटम? क्या आइटम? चिकन चिली आपको बताया ना? अच्छा, चिकन चिली। हाँ, चिकन चिली विद एग फ्राइड राइस। अच्छा, ये क्या बन रहा है अभी जो ये चिकन चिली? ये चिकन चिली ही बन रहा है, ठीक है, ज़बरदस्त हो गया। मंचूरियन हो गया, सिचुआन हो गया, ये सब चीज़ें रनिंग वाली? गार्लिक हो गया, कोंकाओ, सब रनिंग है, सब रनिंग है। आपका तैयार है जी? आपकी आपके पास आएगा कि कहाँ पर आएगा, कौन सी जगह पे खड़े हो आप? ये एडविन सोसाइटी शाहजहां पान के सामने। शाहजहां पान के साथ वो लोग कितने बजे आ जाते हैं? हम मगरिब के बाद आता है 7:30 बजे से 8 बजे। और चाइनीज में कितनी वैरायटी आपके पास, मतलब 15-20 किस्म के हैं चाइनीज? नहीं, उससे ज़्यादा होगा। उससे ज़्यादा है माशाल्लाह। और रेंज क्या है प्राइस की, मतलब 500-600 में शुरू जाता है या सब महंगा है, सस्ता है? इतने इतना महंगा नहीं है, सस्ता है। सस्ता है, हाँ, 7:30-8 प्रॉन का है, 12 तक है। अच्छा, प्रॉन होते हैं मेगा सीफूड है? हाँ, प्रॉन है, बीफ है। 6-7 में बंदे का मदद से पेट भर जाएगा। जी जी जी। अच्छा, ज़बरदस्त, यानी 5-star का जायका मिलेगा यहाँ पर फूड कार्ट पे यूसुफ भाई के पास आ जाए। जी 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 भाई, ये देखें, ये ज़बरदस्त सा चाइनीज़ बन रहा है। तो यूसुफ भाई क्या बताया था, ये क्या बन रहा है? ये चिकन चिली। चिकन चिली, चिकन चिली बन रहा है। क्या ऐड क्या हुआ है अभी इसमें? ये इसमें अभी कॉर्नस्टार्च ऐड किया। अच्छा, कॉर्नस्टार्च, ठीक है। और तकरीबन बस रेडी है मेरे ख्याल से? हो गया, बस हो गया रेडी। और साथ में ये फ्राइड राइस के साथ होता है? ये फ्राइड राइस के साथ है। अच्छा, देखें, काफ़ी हद तक मुझे स्पाइसी लग रहा है, और ये अक्सर बेशतर हमारे यहाँ होता है कि चाइनीज़ की खानी होता है भाई स्पाइसी होता है। तो ज़रा इनका मेन्यू भी देख लेते हैं, वही 650-700 के अंदर ही है। और ज़्यादातर जो सबसे महंगा है इनका मेरे ख्याल प्राउन वेजिटेबल है, बाकी 1200 से ऊपर कुछ नहीं। लेकिन ये है कि तकरीबन जो तो 700-800 में आ रहा है, अगर क्वालिटी अच्छी हो जितना इनका दावा है, 22 साल का तजुर्बा है, तो भाई खाने में मज़ा आएगा आपको भाई। क्योंकि 700 में चाइनीज़ थोड़ा सा महंगा है, लेकिन जिनका जो जिस तरीके से स्टैंडर्ड लग रहा है
जिस तरीके से इनका दावा है तो फिर ज़रा ट्राई करें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो भाई ये गार्लिक चाउमीन है, गार्लिक चाउमीन है, अभी फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ। और दूसरा हमने एक और ऑर्डर दिया हुआ है चिकन मंचूरियन का, बहुत रेडी हो रहा है, अभी तैयार हो रहा है बस। मेरी आवाज़ आ रही है ना आपको? बस मन में थोड़ा सा ये हटके लग रहा है मुझे, लेकिन लेट्स ट्राई। दिखाया ना भाई ये ज़रा ना, लग तो हाँ थोड़ा चेंज रहा है वैसे, मतलब क्योंकि नॉर्मल चिकन चाउमीन तो हम लोग अमूमन खाते हैं, लेकिन ये काफ़ी इसका थोड़ा कलर है ना, देखने में फ्लेवर अलग लग रहा है। बाकी खा के ट्राई करते हैं आगे। अच्छा ये हाफ प्लेट है भाई? हाँ हाफ है भाई। वैसे हमने हाफ देते नहीं है, लेकिन हमने लिए, हमने कहा यार हमने बस ज़्यादा खाना है, वो मंगवाना है आइटम। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गार्लिक का फ्लेवर तो आ रहा है, लेकिन नमक थोड़ा सा वो हो गया है, नमक भी तेज़ है। गार्लिक का फ्लेवर तो आया, गार्लिक आई है उसमें, मतलब वो तो लगा है पर अच्छा भी जायके में, मगर नमक तेज़ कर दिया अंकल ने अब क्रश की वजह से, जिसकी वजह से भी नमक तेज़ हो गया हो जाता है। और लोग जो भी आते हैं वो बता भी सकते हैं कि भाई किसी ने खाया हुआ है, तो उन्हें ज़्यादा आइडिया होगा कि रेगुलरली। मगर आपको एक बात बताऊँ मैं, मतलब सही है, अच्छा है, मैं ये नहीं कर रहा है, लेकिन ये वैसा ही लेवल है जैसे आपको कराची के मुख्तलिफ फूड कार्ट पर आपको फूड कार्ट पर आपको मिल जाता है, जिससे कराची में आपको अच्छे चाउमीन बहुत अच्छे मिल जाएंगे। दो तीन जगह ऐसी जानता हूँ मैं, जौर में, तारीख रोड पे, भादराबाद में। हाँ लेकिन सही है, अब मेरे ख्याल से मंचूरियन से ज़्यादा उम्मीद हो गई है। मंचूरियन ज़्यादा उम्मीद है भाई, गार्लिक चाउमीन नाम में तो जो है बड़ा चेंज लग रहा था। मंचूरियन जो है ना बस आने वाला, मेरे ख्याल से प्लेट में निकाल दिया भाई। रहमान भाई से सबर नहीं हुआ? हाँ भाई, वो बहुत भूख लग रही थी भाई, ये लग रहा कुछ क्योंकि स्पाइसी जिनके पास जो मसाले हैं ना, खासतौर पर जो तीखे जो लाल वाल मसाले लग रहे थे वो सारे भरपूर डाले हैं। रहमान भाई हाँ जी आ गया भाई। चीज़ ये कि पहली बार मैं ना चाइनीज़ ज़्यादातर आपको चम्मच स्पून मिलते नहीं, फॉक मिलता है। हाँ लेकिन जरा मैं ज़रा इनकी ग्रेवी चखलूँ भाई, ये मिक्स करने से पहले। बहुत रेड हो रही है और बहुत हॉट हो रही है, मतलब लग रहा है मुझे तीखी तो है ये है, तीखी टाइट वाली गरम है। टमाटर का जायका अच्छा आता है, टमाटर की जो ग्रेवी है ना, जो टमाटर का मतलब सॉसेस वगैरह अच्छी आ रही है और अच्छा जायका है, मज़े की है, मतलब ये वाकई अच्छी है। ये वाकई आपको मतलब ये इसने कर दिया कवर अप, मतलब इसने लगाया कि पहले मुझे लगा था यार नाम बड़े दर्शन छोटे, लेकिन इसका जायका अच्छा सॉस का और बहुत मज़ा कर रही चिकन मंचूरियन, दोस्तों बहुत अच्छी है। प्रॉपर हल्का सा मीठा बने और तीखा बने, दोनों का अच्छा बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। मतलब वो थोड़ा सा है कि कुछ आइटम्स जो हैं वो थोड़े बहुत कुछ लो डाउन हो सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें इनकी अच्छी भी होंगी। आप एक चीज़ नोट करो कि इनके ना, इनका मुझे लगता है कल का ना खासतौर पर अदरक लहसुन से बड़ा गहरा होता है। हाँ हर खाने में आपको अदरक लहसुन की जो फ्लेवर है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग फील यार। लेकिन एक क्वालिटी में जो अभी नोट किया ना, फूड कार्ट पे तवा जितना हर चीज़ बनने के बाद फ़ौरन सफाई कर रहे हैं। हाँ ये चीज़ जो बात है वो हर, इन्होंने एक छोटी सी अपनी जो है वो एक क्लीनर, एक झाड़ू सी बनाई है, लेकिन भाई उससे गर्मा गर्म आएगा। और अच्छा भाई कोई खास बैठने का इंतजाम नहीं है, ज़्यादा टेक अवे लेके जा रहे हैं लोग, ऑर्डर वगैरह लोग ज़्यादा कर रहे होंगे ना। भी एक चीज़ हो रहा है, ग्रेवी बहुत अच्छी है, लेकिन ना मुझे ऐसा लगा कि उनके फ्राइड राइस है ना वो इतने जानदार नहीं, करीब आऊँ ये देखें फ्राइड राइस में, फ्राइड राइस की आम जो मिलता है ना मादर के साथ, जो एक आम फूड कार्ट में मिलता है उस जैसे भी नहीं है। हाँ ग्रेवी बहुत अच्छी है, ग्रेवी बहुत बहुत मजी ग्रेवी, मतलब आप ऐसे ही खा लो, वो वाली ग्रेवी हो रही है कि आप ऐसे ही खा लो। अगर चावल अच्छे होते हैं कि इतना मज़ा करते हैं ना, लेकिन फ्राइड राइस ही मज़ेदार नहीं है। लेकिन खैर हो सकता है भाई आज सही नहीं बने हो, तो उसकी लोकेशन ये है कि कराची एडमिट सोसाइटी बिल्कुल, और सितारा बेकरी की तरफ जो रास्ता जाता है और बस उसके बिल्कुल सेंटर में बंगल, अभी बिल्कुल सामने उसके सामने आपको शायद नजर आ जाते हैं, 8 बजे आ जाते हैं और रात 11-12 बजे तक होते हैं माशाल्लाह। लियांग्स के नाम से, लियांग्स के नाम से, तो बस और अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मुलाकात होती है और अपना हम फीडबैक देखे जाएंगे चाचा को जो हमें कमी लगेगी। अल्लाह हाफिज़।